kids, how are you? कैसे हैं आप सब? Today I will teach you English and the topic is R letter write करना. Capital letter R जो होता है उसको कैसे write करना है वो सिखाएंगे. Today I will teach you what will be write capital letter R. Now you all children take out your workbook and open the page number 3535. I said take out your workbook and open the page number 3535. Here is R for red या R for rose capital letter. Look at here. Here is R for red picture and here is a spelling RAT red and here is a letter TRACE trace ANDNWRITE write trace and write means dots को क्या करना है मिलाना है और क्या करना है writing करनी है. Look at here. यहाँ पे कैपिटल लेटर आर राइट हुआ है. देन आफ्टर यहाँ पे डॉट्स दिए गए हैं उसको हमको क्या करना है राइट करना है. देखेंगे कि कैसे आर फॉर रेड का जो कैपिटल लेटर होता है वो किस कैसे राइट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल देन आफ्टर स्लैंटिंग लाइन. कहाँ से लाना है हमको ये सेंटर से स्लैंटिंग लाइन बनाना है. आप लोग पी फॉर पैरट बनाना आता है ना तो पी फॉर पैरट बनाएंगे फिर वहाँ एक स्लैंटिंग लाइन बना देंगे तो ये आपका आर फॉर रेड बन जाएगा. स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन आर फॉर रेड. स्टैंडिंग लाइन हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन R for red, standing line, half circle, and slanting line. R for red, standing line, half circle, and slanting line. R for red, standing line, half circle, and slanting line. R for red, standing line, half circle, and slanting line. R for red. Next, standing line, half circle, and slanting line, R for red, standing line, and half circle, and slanting line, R for red. Standing line, half circle, and slanting line, R for red. Standing line, half circle, and slanting line, R for red. Standing line, half circle, and slanting line. ये तो हमने dots को trace करके R for red का letter write किया. अब बिना dot के आपको R for red कैसे लिखना है ये सिखाएंगे. Now I will teach you what will be write R for red
R for red letter without dots. Standing line, half circle and slanting line. R for red, standing line, half circle and slanting line. R for red, standing line, half circle and slanting line. R for red, standing line, half circle and slanting line. R for red, standing line and half circle and slanting line. R for red. ये हमने आपके वर्कबुक में कंप्लीट किया. आपको क्या करना है, R for red का जो लेटर है उसको अपने पूरे इस वर्कबुक में फिल करना है और हमारा जो ग्रुप है उसमें सेंड करेंगे. देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है. कलर द बलून्स मार्क्ड R. मीन्स आपको R कलर, आपको जो R लेटर वाला जो बलून है उसको आपको क्या करना है, कलर फिल करना है. लुक एट हियर, जैसे यहाँ पे R R F एंड Q दिया है तो आपको R और R टू बलून्स दिख रहे हैं, उसमें आपको क्या है, कलर फिल करनी है. ओके, देन आफ्टर यू ऑल चिल्ड्रन टेक आउट योर होमवर्क कॉपी एंड ओपन द इंग्लिश पेज. हियर आई विल राइट प्रीवियस वर्क, देन आफ्टर आई विल राइट कैपिटल लेटर R. यहाँ पे हम आपको जो आपका प्रीवियस वर्क है A टू Q कैपिटल लेटर उसको कंप्लीट करेंगे. देन आफ्टर R फॉर राइट का स्पेल आपका लेटर है उसको हम राइट करेंगे. राइट A टू R कैपिटल लेटर. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hand, I for ice cream या I for iron, J for jug, K for kite, L for lion, M for mango, N for nest, O for orange, P for parrot and Q for queen and R for rose या R for red. तो हम यहाँ पे R for rose का पिक्चर बनाएंगे.
R for rose. P for parrot बनाना तो आता ही है, उसमें एक slanting line बना देंगे तो ये हमारा R for rose का capital letter बन जाएगा. Standing line, half circle and slanting line. देखिए आपका फर्स्ट रेड लाइन टच करना है, सेकेंड एंड थर्ड लाइन नीचे का रेड लाइन बिल्कुल भी टच नहीं करना है. ओके, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. आर फॉर रोज, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल एंड स्लैंटिंग लाइन. R for rose, standing line, half circle and slanting line. R for rose, standing line, half circle and slanting line. R for rose, standing line, half circle and slanting line. R for rose, standing line, half circle and slanting line. R for rose, standing line, half circle and slanting line. R for rose and last, standing line, half circle and slanting line. ये हमने आपके होमवर्क की कॉपी में R for rose का लेटर 20 टाइम राइट किया. आप सबको इस पूरे पेज को कंप्लीट करना है. फर्स्ट आपको अपना प्रीवियस वर्क लिखना है, ए टू क्यू कैपिटल लेटर, देन आफ्टर आर फॉर रोज का कैपिटल लेटर राइट करेंगे. आज हमने आपको कराया बुक वर्क बुक में डॉट्स को ट्रेस करके आर फॉर रेड का या आर फॉर रोज का लेटर राइट करना सिखाया. देन आफ्टर ब्लैंक स्पेस में आर फॉर रेड का स्पेलिंग कैपिटल लेटर राइट किया. देन इन तीनों पेजेस को, तीनों लाइन को इस पूरे पेज में जो दिया गया है, इन तीनों लाइंस को आपको क्या करना है, राइट करना है कैपिटल लेटर आर. ठीक है, और उसके बाद अपने होमवर्क की कॉपी में ए टू क्यू प्रीवियस वर्क राइट करेंगे एंड आर फॉर रोज या आर फॉर रेड का लेटर राइट करेंगे. इज़ दैट क्लियर?